अगर आपको एम रिवार्ड के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, साइन अप फेल, दिस डिवाइस इज रजिस्टर्ड विद, आपका अकाउंट का नाम आ जाएगा, लॉग इन विद सेम अकाउंट की प्रॉब्लम आती है, तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को हटाओगे, तो वीडियो को यहाँ पे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब साइन अप फेल बताता है और साइन अप हो नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है वो सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने एम रिवार्ड के ऊपर एक ऑलरेडी अकाउंट बना रखा था और उसको आपने लॉग आउट कर दिया, या फिर आपके आपने एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल किया, या फिर डाटा क्लियर कर दिया, और उसके बाद आपने दूसरा अकाउंट खोलने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप जो है एक फ़ोन के अंदर एक ही अकाउंट को ओपन कर सकते, दो अकाउंट एक फ़ोन में आप नहीं यूज़ कर सकते या फिर लॉगिन भी नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट का नाम आ जाएगा, जैसे अब मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है अकाउंट का, जो अकाउंट था उस कोड आ जाएगी आगे, तो इस अकाउंट को आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन कैसे करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से बैक चले जाइए, ठीक है। मैं यहाँ से ओके दबाता हूँ और वापस से एम रिवार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा, जो भी आपका गूगल आईडी होगा वो सिलेक्ट होगा। अगर नहीं होता है यहाँ पे आपके अकाउंट शो नहीं होते हैं, तो इसके ऐप इन्फो में चले जाइएगा, ठीक है। ऐप इन्फो में हम आएंगे, क्लियर डाटा आपको इसका कर देना है, वापस इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हम यहाँ से, और जैसे ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे, फिर से आपको जो है कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एग्री करेंगे, और यहाँ पे देखिए अब सारे आपके गूगल अकाउंट जो है जीमेल यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपने ऑलरेडी कर रखा था। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट इस जीमेल के ऊपर था, और यही देखिए लॉगिन हो गया है। तो यही करना है आपको, बाकी आप एक बार अनइंस्टॉल करके भी देखिए, अगर आपका अकाउंट आप दूसरा खोलना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, मे बी आपका हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।